नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। दो मेथड कौन कौन से पढ़े हमने? फर्स्ट मेथड कौन सा था? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड कंप्लीशन मेथड। दोनों मेथड हमने पढ़ लिए हैं। थर्ड मेथड हम काम में लेते हैं कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको एक नाम बहुत बोला जाता है, सी धरा जाता है। क्या बोला जाता है? सी धरा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू बी। ये क्या है? इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले क्या पड़ेगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, मतलब पहले इसको चेक करना है कि एग्जिस्ट है कि नहीं है। कल वाले वीडियो में बताया था मैंने, कल की क्लास में बताया था मैंने, कल वाली क्लास में क्या बताया था, इनको कैसे चेक करते हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसा है, रूट से एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया था। तो पहले इसके रूट कैसे होंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, रूट इसके एग्जिस्ट करते हैं भी है कि नहीं चेक करेंगे, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पूछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0 हमने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन में ए बी एंड सी यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x एंड सी यानी कांस्टेंट नंबर9 - 40 means plus minus क्या होगा? Minus 40 - 9 = 31 but minus 31 is minus 31 of greater digit is negative. Greater digit जब negative है means sign किसका आएगा? Minus का आएगा। जब भी हमारे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, क्या आती है? लेस देन जीरो। इट्स लेस देन जीरो मींस जीरो से भी छोटा है, मींस देयर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो कैसे होंगे? वो इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी मींस कोई भी फिक्स आंसर उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी गिवन हो अपने को मींस कंडीशन क्या इसमें अप्लाई हो रही है? माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो इससे पहला जो क्वेश्चन क्या था उसके रूट एडजस्ट नहीं करते, इस वजह से उसको उतना ही सॉल्व करेंगे, उसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ द एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं उसके रियल रूट एग्जिस्ट
करते हैं तो ही उसको सॉल्व करना है, तो नहीं करना है। इसके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। एज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज 3 - 4√3 एंड 4। अप्लाइंग नेचर ऑफ रूट फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं b² - 4ac। मींस b² मींस -4√3² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज 3 देन c इज 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब माइनस का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होता है, नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं, जब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, देन 8 3 देन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48। इसका आंसर अगर 4√3 का स्क्वायर करते हैं क्या आता है, 48 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 हो जा 48 माइनस 48 0 मींस 0 मींस इक्वल टू क्या है ये 0। b² माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया 0 इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यानी जब भी 0 के इक्वल होता है मींस उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, दोनों जो आंसर होंगे, दोनों जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। मैंने बताया था पहले भी दैट रूट्स आर एग्जिस्टिंग एंड रियल एंड सेम, है ना, एग्जिस्ट करता है और रियल है और कैसा है, सेम भी है। देन इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = -3 ± √b² - 4ac / 2a। यहां से हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते हैं x = -3 मीन्स जो b की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है, ये वाला माइनस लेंगे पहले, b की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू पुट करते हैं -4√3 देन प्लस माइनस देन b² - 4ac। अब देखो b² - 4ac इस क्वेश्चन के लिए हमने पहले भी फाइंड किया है, क्या है ना, b² - 4ac का आंसर क्या है 0। देन इसके वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने ये पहले फाइंड किया है, ठीक है, बाद में भी सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट अगर यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन वापस से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, -4√3² - 4 × a = 3 एंड c इज 4 डिवाइडेड बाय 2 / a इज 3 देन x = -, क्या हो गया यहां पे -− प्लस मींस 4√3 + √ यहां से -4√3² - 4√3² इसका स्क्वायर किया था हमने, क्या था 48 माइनस सबको मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा था 48 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 x = 4√3 + √0 48 माइनस 48 0 एंड 0 का रूट क्या होता है हमेशा 0। 0 को अगर रूट में लिखो चाहे बिना रूट के लिखो, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, 0 क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 का एडिशन में कभी भी कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, डिवाइड बाय 6 अंडरस्टैंड। देन इसका फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट टेकिंग x = 4√3 + 0/6 प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं होता है। देन x = क्या आ जाएगा यहां से 4√3/6 यहां से देखो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे इसके
टू के टेबल में फोर भी आता है सिक्स भी आता है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से टू टू जा फोर टू रूट थ्री अपॉन थ्री टाइम्स कटेगा थ्री टाइम्स कटेगा सिक्स इसका रूट क्या आ गया एक्स प्लस टू टू रूट थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री अपॉन थ्री ये तो इसका फर्स्ट रूट हो गया देन सेकंड रूट इसका फाइंड करते हैं सेकंड रूट क्या होगा टेक है एक्स प्लस टू फोर रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स एक्स प्लस टू फोर रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन सिक्स एक्स प्लस टू सेम आ जाएगा माइनस जीरो करेंगे तो भी सेम रहेगा मींस फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स देन टू की टेबल से कट हो रहा है टू रूट थ्री अपॉन थ्री हैज दैट सेम रूट जब भी एक्स बी स्क्वायर माइनस फोर एसी यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या हो इक्वल टू जीरो हो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो इक्वल टू जीरो जब भी नेचर ऑफ रूट जीरो के इक्वल होते हैं मींस उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट्स कैसे होंगे सेम होंगे अंडरस्टैंड राइट डाउन इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ऐसे वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एच टू एंड माइनस सिक्स एंड थ्री राइट सबसे पहले इसमें क्या करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एच माइनस सिक्स माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर में क्या आता है एच टू एंड सी एच थ्री माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सिक्स से थर्टी सिक्स माइनस फोर में कितना बाई टू एट एट थ्री का ट्वेंटी फोर एज दैट 36 माइनस 24 मींस प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 मींस ग्रेटर देन 0 प्लस 12 मींस ग्रेटर देन 0 अब बी स्क्वायर माइनस 4 एसी यानी नेचर ऑफ रूट्स का आंसर इसमें ग्रेटर देन 0 आता है मींस इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट जो इसके आंसर्स होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट होंगे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट अंडरस्टैंड देखते हैं देन रियल रूट्स आर एग्जिस्ट एंड डिफरेंट जैसे डिफरेंट जैसे देखते हैं इसको आप सॉल्व करते हैं कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इससे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर सीधी तरह से आगे फॉर्मूला से ठीक है सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला है x = -3 + - रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए देन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एच माइनस बी एच माइनस सिक्स बी एच माइनस सिक्स देन पुट द वैल्यू ऑफ बी माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अभी पहले मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है देन अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के 12 यहाँ से हम इसका रीजन बता देंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है किसके इक्वल है 12 के इक्वल देन ये रीजन बता देंगे उसका अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई एच टू एच टू देन एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस में कितना बाय माइनस एट प्लस देन सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व अपॉन टू में कितना बाय टू एट फोर टू में कितना बाय टू एट फोर अब यहां से कुछ होता है जो यहां से ही इनको कट करना स्टार्ट कर देते हैं यहां से कट नहीं करना है जब भी प्लस या माइनस हो तो डायरेक्ट वो कट नहीं होंगे 12 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे देखते हैं टू क्या आएगा सिक्स टू क्या तो यहाँ पे पेज कंप्लीट बन रहे हैं मींस टू तो कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा देन रूट में क्या रहेगा थ्री मींस इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं एक्स प्लस टू सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री टू रूट थ्री रूट ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं टू रूट थ्री भी लिख सकते हैं अपॉन
फोर। देखो यहाँ से अब टू की टेबल में सिक्स भी आता है, टू भी आता है, मीन्स कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या आ रहा है कॉमन। तो टू को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, टू को कॉमन लिया, सिक्स आता है टू की टेबल में थ्री टाइम्स, थ्री प्लस माइनस, यहाँ से टू कॉमन हो गया तो क्या कह दिया रूट थ्री अपॉन फोर। अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर और ये टू अपॉन फोर क्या आ गए एक दूसरे के डिवाइड में आ गए, डिवाइड में आ गए, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये वन टाइम है टू टाइम, एक्स कॉस्ट हो जाएगा यहाँ से थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू, फर्स्ट रूट है x इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू। अब इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो देखो रूट वाला नंबर कभी भी बिना रूट वाले नंबर पे, रूट वाला नंबर कभी भी बिना रूट वाले नंबर में ना तो ऐड होता है ना ही सबट्रैक्ट होता है, हिंस यही इसका आंसर होगा। फर्स्ट रूट हो गया इसका थ्री, x इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू, एंड सेकेंड है x equals to 3 minus root 3 upon 2 means x equals to 3 minus root 3 upon 2। अब जो नेचर ऑफ रूट फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग ये है, इसके रूट तो एग्जिस्ट करता है बट कैसे रूट एग्जिस्ट करता है, रूट एग्जिस्ट करता है ना बट कैसे डिफरेंट रूट, कैसे डिफरेंट रूट, यहाँ पे कैसा आ रहा है आंसर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है।